धान की रोपाई को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा विभिन्न खाद गोदामों पर आज छापेमारी की गई है, जहां खाद के नमूनों को लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं कृषि उप निदेशक एसपी श्रीवास्तव ने बताया कि धान की रोपाई में जहां उच्च गुणवत्ता वाले खादों की जरूरत होती है, वहीं मिलावट खोर और मानक के विपरीत पाए गए खादों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि पेश की जाएगी। इस बीच एसपी श्रीवास्तव की टीम जहां जनपद के विभिन्न खाद गोदामों पर छापेमारी की, वहीं मऊ नगर के भीटी स्थित बड़े खाद गोदाम पर छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया है। शासन के निर्देश पर, क्योंकि यह खरीफ का पीक सीजन है, किसान बहुतायत से खादों का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह परीक्षण करने के लिए कि जो किसान खाद ले रहे हैं और जो दुकानदार खाद बेच रहे हैं वह गुणवत्ता युक्त है और सही कीमत पर मिल रहा है, इसलिए शासन के निर्देश पर आज पूरे ज़िले में यह छापे की कार्रवाई करके नमूने लिए जा रहे हैं और उनके स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। ये जो नमूने लिए जा रहे हैं इनको परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और उसके आधार पर यदि अमानक पाया जाता है तो जो विधिक कार्रवाई है उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत वो कार्रवाई संपादित की जाएगी। सर, जनपद में उर्वरक की स्थिति कैसी है? जनपद में उर्वरक इसमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यूरिया भी पर्याप्त है, DAP भी पर्याप्त है, इसमें उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर अधिक दाम पर बेचते हैं क्या है? अधिक दाम पर अगर बेचते हैं तो किसान भाइयों से हमारा यह आग्रह है कि वो रसीद जरूर लें, और दूसरा ये है कि इसी के परीक्षण के लिए ये छापे की कार्रवाई की जा रही है, और ये कार्रवाई आज तो विशेष आकस्मिक छापा है, और वैसे ये सतत रूप से यह कार्रवाई कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी और जो विशेष रूप से जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनके माध्यम से यह कार्रवाई अनवरत रूप से चलती रहेगी।